स्टार्टअप्स का जो फेलियर और सक्सेस है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। कई दफ़ा बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं या लग रहा होता है बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, जिनके पीछे जो फेलियर का रीज़न दे देते हैं कि पैसे नहीं थे। आई थिंक कि एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने बिजनेस आइडिया को अच्छी तरह वे नहीं करता। क्यों वे नहीं करता? कई दफ़ा जब आपने प्रोडक्ट डेवलप की होती है ना, तो आप उसके बारे में नेगेटिविटी जो है ना अफोर्ड नहीं करते हैं, ना आप किसी को चांस देते हैं कि वो आपको आपके आइडियाज़ के बारे में फ्लॉ बताया जाए। बड़ी बात है, हम लोग खुद जब कोई आइडिया लेके आता है हम उसमें से इतने कीड़े निकाल देते हैं, वो कहता है यार इसके पास जाना नहीं चाहिए, ही इज़ नॉट ओपन टू आइडियाज़। और ये बिजनेस मैन नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस मैन इज शुड बी ओपन टू आइडियाज़। अडेप्टेबिलिटी का फंक्शन, फ्लेक्सीबिलिटी का फंक्शन, जो कि बिजनेस का एक मेन कोर जिसे कहते हैं आस्पेक्ट है, वो इग्नोर्ड है। तो आई थिंक ज़्यादा बिजनेसेस ईगो की वजह से भी फेल हो जाते हैं। दे डोंट वांट टू हियर बैड थिंग्स अबाउट देयर प्रोडक्ट और सर्विस, और उसकी वजह से क्या होता है, दे कीप ऑन चेजिंग द लूजर्स एंड इवेंचुअली बर्न देम आउट। तो वो आइडिया भी काम का नहीं रहता और वो नहीं रहता, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो लूजर्स में स्पेंड हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, इतनी नेगेटिविटी है हमारे सर्कल के अंदर, बिकॉज एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू विन, नोबडी वॉन्ट्स टू लूज। तो उसकी वजह से क्या है कि हर बंदे को लगता है ये मैं चला के छोड़ूंगा, वो उसी के पीछे लगा रहेगा अनटिल अनलेस के वो कहीं से उसको थक हार के पता चले शिट ये तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर अपनी एनर्जी सर्व कर चुका हूँ जो कि इतनी रिक्वायर्ड नहीं थी। तो कुछ हमने लिस्ट ऑफ आइडियाज़ निकाले, आई थिंक आपको शायद स्क्रीन पे अभी नज़र भी आए कि इतने सारे रीजंस आइडेंटिफाई हुए फॉर अ फेलियर ऑफ अ बिजनेस, और जिसमें से जो टॉप आइडिया वो है कि बिजनेस में इस चीज़ की नीड नहीं थी। ज़्यादातर आइडिया स्टार्ट होते हैं सोने के उठने के बाद, मेरा ख्याल है ये करना चाहिए विदाउट लुकिंग इनटू द एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट क्या चाह रही है। तो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस ज़्यादातर शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वो चीज़ जो चीज़ दूर से अच्छी दे रहे हैं, दूर के ढोल सहाने वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो हमें भी लगता है वही आइडिया हमें भी कर लेना चाहिए विदाउट थिंकिंग ऑफ दिस कि मार्केट में इसकी स्पेस है या नहीं है, मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूँगा। ये सारे एस्पेक्ट सेकंड में आते हैं, पहले वो वाला काम आ जाता है कि इसमें पैसा बहुत है इसमें चलेंगे, तो वो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जो बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं, वो कंसिडर नहीं होते हैं। तो आइडिया जो होता है वो इतना सरसरी होता है कि वो चलने से पहले ही वो फेलियर के रास्ते पे गांव फुल स्पीड में जा रहा होता है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे पास है कि जो हमारे पार्टनर्स हम चूज करते हैं वो आउट ऑफ लव होते हैं, आउट ऑफ बिजनेस नहीं होते। मेरा दोस्त है बड़ा पुराना, इसलिए मेरे साथ है। जब तक आई थिंक आप लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन बिजनेस में स्टार्ट होना चाहिए कि मैं इस बंदे के साथ बिजनेस क्यों स्टार्ट करूँ, अगर इफ़ यू डोंट यू टू यू थ्री यू फोर यू फाइव या पूरा ग्रुप एक माइंडसेट शेयर नहीं करता, उनके बिजनेस में हमेशा गैप रहेगा, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट नीड। आप सबका एक कलेक्टिव गोल नहीं है और आप सबकी कमिटमेंट भी उतनी नहीं है। तो को फाउंडर जो जितने भी सक्सेसफुल हैं, दे हैड अ सेम एम, दे वर विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर इट, तो उनके प्रोडक्ट में सक्सेस का रेट ज़्यादा है। हमारे सक्सेस का रेट नहीं है, हमारी डिपेंडेंसीज ज़्यादा हैं कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं ये करूँगा। ये बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, इवन जो इलेक्टिव जो कोर्सेज जो हम वो पढ़ रहे होते हैं वो भी इस तरह होते हैं कि मेरा दोस्त पढ़ रहा था तो मैंने भी साथ पढ़ लिया। आप में वो कैलेबर था, आप में वो नीड थी या नहीं थी, वो सब साइड पर रह जाता है। आई थिंक बिजनेस के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप पे स्टार्ट कर रहे हैं, कि आइडेंटिफाई तो कर लो कि ये जिसके साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपका पार्टनर है, जो इज गोइंग टू बी देयर फॉर द लॉन्ग हॉल, वो सही है या नहीं है। सिलेक्शन ऑफ अ पार्टनर मेरे ख्याल में जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी सब कुछ वर्कआउट हो सकता है, लेकिन अगर एक पार्टनर जाता है तो बिजनेस भी साथ ही कलेप्स हो जाता है। तो अगर आपके ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हमारा है, फिर आप फैमिली की जो सपोर्ट चाहिए होती है वो भी आप ले सकते हैं। कोई फैमिली नहीं कहेगी बिजनेस ही नहीं करा, हाँ, लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से करेंगे अब्बा आप सारा कुछ आप लगा दें, मैं अपने दोस्त के साथ मिलके ये कर रहा हूँ, आइडिया क्या है अभी देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब कुछ बाद में हो रहा है, पहले पैसे दे दें ताकि पता चल जाए। जब वो पैसे आ जाते हैं तो क्योंकि स्पेंडिंग का पता नहीं होता, ना वो अर्नड होते हैं, ना उनकी वैल्यूज पता होती हैं, खा पी के बैठ गए, पता चला वो खर्चा इतना हो गया घूमने फिरने में, करने फिरने में। ज़्यादातर ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर है भी, कि जो स्किल्स और जो सेट की रिक्वायरमेंट है, जो बिजनेस, वो जो आपका माइंडसेट है वो एग्जिस्ट बड़ा कम कर रहा है। और ज़्यादातर जो आइडियाज़ हम लोग बच्चे हमारे रिसीव कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं वो फॉलोड हैं किसी से, उनमें इम्प्रूवमेंट का फेज़ नहीं देख रहे हैं, बस वो चाहते हैं कि यही आइडिया रेप्लीकेट करूँ और सेम अर्निंग कमाना शुरू हो जाऊँ।
they don't have any idea कि long term में इसको कहाँ देखना है, कैसे देखना है. तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे बड़ा थ्रेट जो है टू बिजनेस वो खुद है, क्योंकि वो अपने आप को थ्रू द फेज नहीं देख पाते हैं कि हमें कहाँ जाना है. तो वो शॉर्ट स्टॉप होता है कि अभी कर लिया, फिर कल फिर शिफ्ट हो गए, कल फिर शिफ्ट हो गए. शिफ्ट होना बुरी बात नहीं है, बट शिफ्ट फॉर अ गुड इज ठीक है. हाँ, बोर हो गया हूँ फिर निकल के उधर जा रहा हूँ, ये गलत है. एक माइंड सेट जो है वो बहुत जरूरी है. फिर यू नीड टू सेलेक्ट योर पार्टनर्स वेरी केयरफुली. फिर फाइनेंशियल वाली बात आती है बीच में. मार्केट में उतरने से पहले देर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस जो प्रोफेशनल्स हैव डन थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि आइडिया कैसे आइडेंटिफाई करें. मेक श्योर यू लुक इन टू देम. वो जो हार्डवर्क वो चाहते हैं आप आइडियाज में से जनरेट करें, वो जरूर देखें, ताकि आपको पता तो हो कि सोचना कैसे है. मतलब इंस्टेड ऑफ रैंडमली थिंकिंग अबाउट समथिंग, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड दैट नीड टू बी एड्रेस्ड. लेकिन उसके लिए जो आपको प्रॉब्लम्स का पता होना, उनको राइटली आइडेंटिफाई करना, उनके लिए मैचिंग प्रोडक्ट सेट निकालना थोड़ा सा टाइम डिमांड करता है. थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने आइडियाज के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो थ्रेट्स हैं जो लोगों के लिए फेलियर्स है, वो आपके लिए नहीं होंगे. वो प्लान केयरफुली और प्लानिंग के लिए फिर थोड़ा सा मेहनत करने पड़ेगी, फिर डिग्री लेने पड़ेगी शायद. अगर डिग्री नहीं भी है तो कई दफ़ा किसी के साथ शेयर करने से, किसी सीजन प्रोफेशनल मेंटोर, किसी प्रोफेशनल स्टेज पे आके इंक्यूबेटर सेटअप में जाके ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं. तो अपनी जो सराउंडिंग्स हैं वो बेहतर तरीके से चूज करने से भी मसला हल हो सकता है. आई थिंक इट्स वर्केबल. हमारे पास बहुत टैलेंट है, कोई इसमें गैप, कोई इसमें सेकेंड ओपिनियन नहीं है. हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है. अगर इनको डायरेक्शन मिल जाए तो आई थिंक they can achieve anything they want.